एक भीषण त्रासदी में तब्दील हुआ केरल का वायनाड जिला। भारी बारिश के कारण आई भीषण लैंडस्लाइड्स ने कई गांवों को तबाह कर दिया है। इस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। वायनाड के मेप्पाड़ी इलाके में सुबह सुबह हुई लैंडस्लाइड्स ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। मलप्पुरम जिले की चालियार नदी में भी कई लोग बह गए हैं। मुंडक्काई और चूरलमाला गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लैंडस्लाइड्स की वजह से कई गांव पूरी तरह कट ऑफ हो गए हैं। मुंडक्काई गांव तक जाने वाला पुल ही बह गया है। मुंडक्काई बाजार पूरी तरह तबाह हो गया है। करीब 40 घर मलबे में दब गए हैं। इनमें से ज्यादातर घर चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। We are trying every possible way to rescue our people. So, Honorable Chief Minister himself has given instructions early in the morning itself. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन से बात की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द सभी फंसे हुए लोगों को बचा लिया जाए और मृतकों के परिजनों को हिम्मत मिले। साहिल ऑनलाइन ब्यूरो।